इज़ अ क्लास फोर्थ ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल। आज हम रिवीजन असाइनमेंट फिफ्थ करेंगे एसएसटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली में क्या अंतर होता है। इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर ग्रैंड, जॉइंट फैमिली में कौन कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, सिबलिंग एंड कजिन, ये सब एक साथ रहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स एंड कजन्स होते हैं। मतलब जॉइंट फैमिली एक बड़ी फैमिली होती है और न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग ओविपैरस एंड वीविपैरस एनिमल। ओविपैरस और वीविपैरस, एनिमल दैट ले एग्स ओनली, जो एनिमल्स सिर्फ अंडे देते हैं उनको हम ओविपैरस कहते हैं, जैसे हैन और डक। एनिमल दैट गिव बर्थ टू लिव बेबीज एंड देयर यंग वंस, ठीक, देयर ओन काइंड, ठीक है, क्या होते हैं, उनकी तरह ही होते हैं, तो वो होते हैं वीविपैरस फैमिली। फैमिली देन एंड नाउ, मतलब पुराने समय में और अब में क्या फैमिली में अंतर होते थे। फैमिलीज वर इन अ जॉइंट, पुराने समय में फैमिलीज क्या होती थी, जॉइंट नेचर की होती थी। मेल मेंबर वर बी कंसिडर टू बी अ हेड, जो फैमिली के जो मेल मेंबर होते थे वो उस फैमिली को चलाते थे। नाउ अ फैमिली मोस्टली वे हैव, आजकल के समय में क्या ज़्यादातर क्या है, सब की सब न्यूक्लियर फैमिली है, जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग एंड ऑल डिसीजन वर आर टेकन जॉइंटली, ये दोनों ही काम करते और जो भी फैमिली के लिए डिसीजन होता है वो साथ में मिलकर लेते हैं। अगला पॉइंट है गर्ल्स, पुराने समय में क्या होता था, द गर्ल्स वर कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड वर्क एंड बॉयज वर कंसिडर टू अ सुपीरियर, जो गर्ल्स होती थी वो घर के काम करती थी और बॉयज़ को सुपीरियर समझा जाता था। नाउ डेज, लेकिन इस समय क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स वर ट्रीटेड इक्वल, मतलब जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको एक बराबर समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज टॉप स्पन, टॉप कैसे घूमता है। टॉप स्पन बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एंड बाउंड अराउंड इट ऑन अ फ्लैट सरफेस, जो टॉप होता है मतलब जो लट्टू होता है उसके नीचे, वो एक तो पियर की शेप का होता है और उसके नीचे जब रस्सी को बांध कर उसको खींच के छोड़ा जाता है तो वो फ्लैट सरफेस पर बहुत तेज़ी से और काफ़ी देर तक वो घूमता रहता है। अब हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है जिसमें मैं आपको वन वर्ड भेजूंगी। तो फर्स्ट वन वर्ड है, डूइंग समथिंग टू रिलैक्स हैव अ फन इज कॉल्ड, मतलब आपको रिलैक्स करते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन, क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन। अ पियर शेप टॉय दैट इज स्पन ऑन अ फ्लैट सरफेस पुलिंग द स्ट्रिंग बाउंड अराउंड इज कॉल्ड लट्टू, उसको क्या बोलते हैं आप, लट्टू बोलते हैं। इट इज ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, सबसे पुराना मीन्स ऑफ रिक्रिएशन कौन सा था, सर्कस था, क्योंकि पहले टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे इसलिए सर्कस एक मीन्स ऑफ रिक्रिएशन था पुराना। सम गेम्स दैट रिक्वायर कोचिंग एंड ट्रेनिंग अंडर एक्सपर्ट इज कॉल्ड, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रेनिंग और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, उनको हम कोच कहते हैं। मैनी गेम्स दैट वी हैव प्ले अपर होम आर कॉल्ड, जो गेम घर पर खेले जाते हैं उनको हम इंडोर गेम कहते हैं, ठीक है। द कपल हु अडॉप्ट अ चाइल्ड, वो कपल जो अनाथ बच्चे को गोद लेते हैं उनको हम फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं। चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑफन, जो बच्चे अपने माँ बाप को खो देते हैं उनको ऑफन्स बोलते हैं या फिर अनाथ बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच कपल लीगली बिकेम द पेरेंट्स ऑफ एन ऑर्फन इज कॉल्ड अडॉप्शन, वो प्रोसेस जिसमें अनाथ बच्चों को गोद लिया जाता है उनको हम अडॉप्शन कहते हैं, ठीक है। एनिमल दैट ले एग आकर, वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनको हम ओवी पैरस एनिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवी पैरस एनिमल। एनिमल दैट गिव बर्थ टू द यंग वन आर कॉल्ड वीवी पैरस एनिमल, वो एनिमल जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको हम वीवी पैरस एनिमल कहते हैं। द रिलेटिव ऑन द मदर साइड आर कॉल्ड, मदर के तरफ के रिलेटिव को हम मैटरनल रिलेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, मैटरनल रिलेटिव कहते हैं।
अ रेगुलर एक्टिविटी दैट हेल्प टू अर्न मनी इज कॉल्ड, अ रेगुलर एक्टिविटी दैट हेल्प इज मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन. ठीक. एन ऑक्यूपेशन इज स्पेशल ट्रेनिंग, वो काम जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उसको हम प्रोफेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं. द फर्स्ट इंडियन विन द बुकर प्राइज, वो कौन थी? जो पहली इंडियन थी जिनको बुकर प्राइज मिला था वो थी अरुंधति रॉय. ठीक है. अ वीवर वीव क्लोथ ऑन अ लूम, वो लोग कौन होते हैं जो लूम पर कपड़े बुनते हैं, उनको हम वीवर बोलते हैं. दे प्ले म्यूजिक एट इवेंट फॉर ऑडियंस, जो ऑडियंस के लिए म्यूजिक बजाते हैं उनको हम डिस्क जॉकी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिस्क जॉकी बोलते हैं. तो ये थे हमारे रिवीजन असाइनमेंट 5 to 6 जो आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल नीटली लिखने हैं और स्पेलिंग्स का प्रॉपर ध्यान रखना है बेटा. तो ये सारा काम अपनी कॉपी में लिख कर लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन.